हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। कुछ नई वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली के वेरियस पोस्ट में, तो आइए देखते हैं कौन कौन से डिपार्टमेंट नई वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफिशियल साइट पर को लेकर आए हुए हैं, यहाँ पर एक एक करके दोनों वैकेंसी देखते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर कोई रिजल्ट आती है, नोटिफिकेशन आती है या कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है आपके सामने लेकर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले वैकेंसी देख लेते हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, जो दिल्ली में वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर लेके आए हुए हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, यहाँ देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म जो निकली है वैकेंसी उसके बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या निकाला गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं वेरियस पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। और हम जो यहाँ काम की वैकेंसी है वो देख लेते हैं। सीनियर टेक्नीशियन निकाला गया 6 पोस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर निकाला गया 2 पोस्ट, जूनियर टेक्नीशियन निकाला गया 2 पोस्ट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 7 पोस्ट, लोअर डिविजन क्लर्क LDC 13 पोस्ट, MTS 3 पोस्ट निकाला गया। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप जाकर डायरेक्टली फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जो भी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं यहां आकर अपना अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। 5 मई से आपका फॉर्म फिलअप होगा, जिनको डाउट है। अब दूसरा वैकेंसी देख लेते हैं और मैं नीचे बता दूं आपको, देखिए 5 मई से फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर दूसरी वैकेंसी क्या निकाली गई, तो ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्ट में निकाली गई है, BECIL में वैकेंसी निकाली गई है। और ये बताया जा रहा है दिल्ली में और हैदराबाद में पोस्टिंग होगा, ज़्यादातर दिल्ली में ही पोस्टिंग होगा। देखिए CBI होता है, उसी तरह के यहाँ पर आप साइबर क्राइम ब्रांच भी होता है, साइबर क्राइम ब्रांच सुने भी होंगे आप, साइबर सेल जो होता है, तो यहाँ वैकेंसी उसी में निकाली गई है। तो यहाँ देखिए आप यहाँ एक एक करके हम देखने वाले हैं सारी वैकेंसी कौन कौन सी डिपार्टमेंट वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर साइबर क्राइम थ्रेट में निकाला गया हैदराबाद में 1 पोस्ट, और यहाँ बताया जा रहा है कि डिजिटल फॉरेंसिक स्पॉट में 2 पोस्ट निकाला गया दिल्ली में, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर में या यहाँ पर जो रिसर्चर होते हैं उनमें 3 पोस्ट निकाला गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर में 3 पोस्ट निकाला गया दिल्ली में, कंटेंट डेवलपर में 1 पोस्ट निकाला गया, साथ में मोबाइल फॉरेंसिक एक्सपर्ट में 12 पोस्ट निकाला गया है, नेटवर्क फॉरेंसिक एक्सपर्ट में यहाँ पर बताया जा रहा है 2 पोस्ट निकाला गया है, मेमोरी फॉरेंसिक एक्सपर्ट में 2 पोस्ट निकाला गया है। इसी तरह करके वैकेंसी यहाँ निकाली गई है वेरियस पोस्ट में, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपको एक एक क्वालिफिकेशन देखना है, ग्रेजुएशन पर भी निकाला गया है। अगर आपने यहाँ क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, बीटेक दिया हुआ कंप्यूटर साइंस से कर रखे हैं, बीटेक नहीं कर रखे हैं, ग्रेजुएशन करके रखे हैं, तो उसमें भी आप भर सकते हैं, लिखा हुआ है ग्रेजुएशन का भी भर सकते हैं। अगर आपने IT या कंप्यूटर साइंस में लिया, सभी का अलग अलग क्वालिफिकेशन है। आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर PDF दिया हुआ है, मैं बता नहीं पाऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके जो भी फॉर्म फिलअप करना है वहां जाकर आप खुद से देखिए, जिसमें एलिजिबल हैं आप खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, फॉर्म फिलअप कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे हर किसी को इन्फॉर्मेशन मिल सके जो एलिजिबल होंगे फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तब तक के लिए अपना गुड बाय एंड टेक केयर।